गाइस, कैसे हैं आप लोग? आपका मोस्ट वेलकम हमारे सेशन में। आई होप कि आप मुझे देख पा रहे होंगे। ठीक है, शुरू करते हैं अपना सेशन। और मेरा पहला यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। तो गाइस, फ्राइडे को 11 बजे आप रेडी रहिएगा। फ्राइडे को 11 बजे आपका बैंकिंग मास्टर क्विज शो है, जो मैं लूंगा 11 बजे। और यहाँ पर आपको करना होगा क्विज, और आपको मिलेंगे कुछ सरप्राइज गिफ्ट। तो सरप्राइज गिफ्ट देख लीजिएगा, तो ये भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको रहना है, बढ़िया बढ़िया सरप्राइज आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए। और गाइज, एसएससी क्रैक करना होगा आसान, जब पढ़ेंगे एसएससी बैंक होल्डर के साथ, रैंक होल्डर के साथ। देखने के लिए मंडे को 13 अक्टूबर 1 बजे से रेडी रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एसएससी रैंक होल्डर आपको पढ़ाने वाले हैं। चलिए। और गाइज, हमारा आईबीपीएस क्लर्क का फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुका है। क्लरिकल इस साल का लास्ट एग्जाम है। आई होप कि आप बढ़िया से प्रिपरेशन करेंगे। और इस बैच को परचेस करने के लिए आपको eStore.ibisguide.com में जाना पड़ेगा। और अगर आप नासा कोड लगाएंगे तो राइट नाउ नासा कोड पर आपको 35% का डिस्काउंट मिल रहा है। ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 35% का। रात के 8 बजे आपकी रेलवे की क्लास है, तो ये भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, और आज रात में 10 बजे हम नाइट रिवीजन क्लास करेंगे। 10 बजे बढ़िया सेशन होगा, आइएगा। यहां पर भी काफी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। मेरा पहला क्वेश्चन आपके सामने देख लीजिएगा। iPhone 11 चॉकलेट है। अच्छा, काश कोई होता जो मुझसे पूछता मुझे क्या चाहिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने, डील वर्थ हाउ मच अमाउंट वॉज साइन बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक विद द रिलायंस फॉर पावर प्लांट इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में पावर प्लांट के लिए एशियाई विकास बैंक ने रिलायंस के साथ कितने अमाउंट की भागीदारी की है? पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आपको देना है। व्हाट इज द आंसर, क्या इसका आंसर होगा? जल्दी से जल्दी, फटाफट फटाफट, मुझे नया फोन चाहिए। अच्छा चलो, यहाँ पे 700, 500, 200, 400, 250 ऑप्शन में है। और यहां पर आप लोग अच्छे बच्चों की तरह गलत आंसर कर रहे हैं। बढ़िया, अच्छी बात है, अच्छी बात है। क्या इसका आंसर होगा? अंगिता मित्तल 700, वेरी गुड। तानिया विश्वास 500, थोड़ा पढ़ाई करिए आप लोग। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा $200 मिलियन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, $200 मिलियन, ऑप्शन नंबर सी। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक $200 मिलियन की हेल्प करेगा रिलायंस को। रिलायंस बांग्लादेश एलएनजी एंड पावर लिमिटेड, वहां पर एक पावर प्लांट बन रहा है 718 मेगावाट का, 718 मेगावाट का। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड ब्रेस्टफीडिंग डे, ब्रेस्टफीडिंग वीक 2020? तो वर्ल्ड ब्रेस्टफीडिंग वीक की बात करें तो ये 1 से लेकर 7 अगस्त तक सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम आपसे पूछी गई है, व्हाट इज द थीम, इसकी थीम क्या होगी? और गाइस, जल्दी जल्दी सेशन को शेयर कर दिए, फटाफट सेशन को शेयर कर दो जो भी प्लेटफॉर्म तुम्हारे पास हो। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या इसका आंसर होगा देख लेते हैं। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्थियर प्लैनेट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक की बात करें, ये 1 से लेकर 7 अगस्त तक सेलिब्रेट होता है, ऑब्जर्व होता है। और थीम की बात कर लें तो सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्थियर प्लैनेट, तो आप लोगों ने सही आंसर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 बाई द यूनाइटेड नेशन, इंडिया अकाउंट फॉर हाउ मेनी मिलियन ऑफ मिसिंग फीमेल ओवर द पास्ट 50 ईयर। तो यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, जिसके हिसाब से पिछले 50 सालों में इंडिया में कितनी फीमेल लापता हो गई, ये आपसे पूछा गया है। यहां पर आपके सामने 5 ऑप्शन से आंसर दीजिए फटाफट, क्या इसका आंसर होगा? जल्दी जल्दी गाइस, और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 45.8, ना कि 9, 45.8 मिलियन। तो इंडिया से 45.8 मिलियन फीमेल्स पिछले 50 सालों में लापता हुई हैं, ये रिपोर्ट में कहा गया है। रिपोर्ट का नाम द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 रिपोर्ट बाय द यूनाइटेड नेशन। तो एक क्वेश्चन आपके सामने ये हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इन पार्टनरशिप विथ विच बैंक Has food aggregator Swiggy launched its own digital wallet called Swiggy Money? तो इनमें से किस बैंक से पार्टनरशिप करके स्विगी ने अपना खुद का डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है, स्विगी मनी? वॉट इज द आंसर, 5 ऑप्शन फिर से आपके पास, क्या इसका आंसर होगा? चलिए 5 ऑप्शन है, आंसर आपके आ रहे हैं। दिनेश गवली भाई, थैंक यू सो मच। वॉट इज द आंसर, राहुल सिंह, एच डी एफ सी। ओके, वेरी गुड।
इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका आंसर आईसीआईसीआई बैंक है। तो स्विगी और आईसीआईसीआई बैंक ने कोलाबरेट किया है और स्विगी ने अपना अपना खुद का वॉलेट लॉन्च किया है, तो इसका आंसर क्या होगा? आईसीआईसीआई बैंक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर नितिन मेनन promotion to the elite panel of the ICC, which Indian umpire has been included in the ICC international panel of umpire? तो आपसे क्या पूछा गया है कि नितिन मेनन का प्रमोशन हो गया है एलीट पैनल में ऑफ द आईसीसी, तो उनकी जगह पे आईसीसी इंटरनेशनल पैनल में इंडियन अंपायर कौन अपॉइंट हुए हैं? आपके सामने पांच ऑप्शन फिर से हैं, आंसर आपको सही देना है। व्हाट इज द राइट आंसर? इसका आंसर क्या हो, देखो यहां पे, ठीक है, यहां पे आंसर आ रहे हैं, लोग अपने अपने आंसर अपने हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। और इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर के एन अनंत पद्मनाभन, ऑप्शन नंबर डी। के एन अनंत पद्मनाभन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, तो के एन अनंत पद्मनाभन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए। इंडिया विच ईयर टाइगर सेंसस हैज सेट अ न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बीइंग लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे? तो भारत के किस वर्ष की बाघ जनगणना में ने सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण के लिए एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? India's which year Tiger Census has set a new Guinness World Record for being largest camera trap wildlife survey? What is the answer? यहाँ पे आपके आंसर आ रहे हैं 2019, 2018 अपने हिसाब से, ठीक है। राहुल सिंह 19, बाकी बच्चे बोल रहे हैं 18, एंड द राइट आंसर इज 2018, ऑप्शन नंबर बी। तो फोर्थ साइकिल ऑफ द ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 हैज एंटर्ड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्योंकि सबसे ज्यादा कैमरे का यूज यहां पर हुआ, इसकी इंफॉर्मेशन प्रकाश जावड़ेकर जी ने दिया। एंड द कंट्री नाउ हैज एन एस्टिमेटेड 2,967 टाइगर्स एज पर द लेटेस्ट सेंसस। तो 2,967 टाइगर हमारे देश में इस समय है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, Who headed the panel formed by the IRDA to examine the feasibility of the pandemic risk pool? Pandemic risk pool मतलब कि IRDA ने किस कमेटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप हमको बताइए कि कौन कौन से पैंडेमिक आ सकते हैं? तो पैंडेमिक रिस्क पूल बनाने के लिए IRDA ने किस कमेटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ये आपसे पूछा गया। What is the answer? राहुल सिंह सही, टीएल अलामेलू, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जय महाजन ऑल्सो सिंह, टीएल अलामेलू, ठीक है। जगदीप, ठीक है, इसका आंसर होगा सुरेश माथुर, ऑप्शन नंबर सी। तो IRDA ने एक कमेटी बनाई थी, इसको लीड कर रहे हैं सुरेश माथुर, कमेटी पैंडेमिक रिस्क पूल के लिए थी, तो सुरेश माथुर हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state government launches BLUIS, BLUIS, the flagship development of General Administration and Public Grievances Department? तो किस राज्य सरकार ने सामान्य प्रशासन और लोक शिकायत विभागों के प्रमुख विकास के लिए ब्लूइस को लॉन्च किया है? BLUIS, व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर गाइस? वी हैव फाइव ऑप्शंस। किस स्टेट गवर्नमेंट ने BLUIS लॉन्च किया है, और यहां पर आपके आंसर आ रहे हैं राहुल सिंह सिंह, नागालैंड, वेरी गुड। व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर गाइस? और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ओडिशा, नन ऑफ दीज का मतलब ओडिशा हो जाएगा। तो ओडिशा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक लॉन्चेस BLUIS, फुल फॉर्म भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम, BLUIS, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द हिमालयन बटरफ्लाई विच इज नेम एज द इंडियाज लार्जेस्ट बटरफ्लाई आफ्टर अनदर बटरफ्लाई हिल्ड द रिकॉर्ड फॉर 88 ईयर्स। तो हिमालयन बटरफ्लाई का नाम बताइए जिसे 88 वर्षों तक रिकॉर्ड, मतलब 88 वर्षों तक ये रिकॉर्ड है कि सबसे बड़ी बटरफ्लाई भारत की ये है, इसका नाम क्या होगा? तमन्ना जी आपका बर्थडे है क्या? जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, सारे बच्चे तमन्ना को विश करिए। यहां पर पांच ऑप्शन आपके सामने, और ऑप्शन में गोल्डन तो नहीं है, सिल्वर है। इसका आंसर क्या हो? गोल्डन, हाँ गोल्डन, ठीक है। तो गोल्डन बर्ड विंग बटरफ्लाई जो है ये 88 ईयर में अब तक की सबसे बड़ी बटरफ्लाई निकली, ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट, विच ऑफ द मिनिस्ट्रीज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉन द स्कोच गोल्ड अवार्ड फॉर इट्स ओन ऑफ द प्रोजेक्ट? तो सरकार के अधीन कौन से मंत्रालय को स्कोच गोल्ड अवार्ड मिला है अपनी एक परियोजना के लिए? स्कोच गोल्ड अवार्ड, ये तो मैं क्वेश्चन करा चुका हूं और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भी। चलिए आंसर दीजिएगा, इसका आंसर होगा
सौम्या जी का बर्थडे भी है, सौम्या पीडी जी का बर्थडे भी है, आपको भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, खूब आगे बढ़िए और पार्टी दीजिए हम लोग को। चलिए आंसर क्या होगा, आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो स्कॉच गोल्ड अवार्ड की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को ये अवार्ड मिला है, स्कॉच गोल्ड अवार्ड फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द ट्राइबल्स थ्रू आईटी इनेबल्ड स्कॉलरशिप स्कीम, इस स्कीम के लिए इनको अवार्ड मिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, Who has been honored with the Paul Harris Fellow recognition by Rotary Foundation of Rotary International USA? तो Rotary Foundation of Rotary International ने किसको Paul Harris Fellow सम्मान से सम्मानित किया है? पांच ऑप्शन आपके पास है। आज सबका बर्थडे है तू, हाँ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ईके पलनास्वामी, ऑप्शन नंबर सी, ईके पलनास्वामी द चीफ मिनिस्टर ऑफ द तमिलनाडु, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर ईके पलनास्वामी को पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन अवार्ड मिला है रोटरी फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फॉर विच शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री हैज अरुणाचल प्रदेश फिल्म मेकर केजांग डी थोंगडोक बैग द दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020? तो दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 की बात करें, ये किसको मिला, ये मिला केजंग डी थोंगडोक को, और आपसे पूछा गया कि किस मूवी के लिए इनको ये अवार्ड मिला, जल्दी जाइए मुझे। राहुल सिंह गुलाबी गए राहुल भाई एक क्वेश्चन का आंसर तुम ठीक दोगे, पहले कि नहीं बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा छी लूपो, ऑप्शन नंबर ए, छी लुपो ऑप्शन नंबर सी, लुपो इज सी, लुपो इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो अरुणाचल प्रदेश के फिल्म मेकर हैं, इनका नाम है केजांग डी थोंगडोक, इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला 2020 का इनके शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए, छी लुपो इसका मतलब होता है हनी हंटिंग, हनी हंटिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वेयर वॉज द इंडिया ग्लोबल वीक 2020 बींग ऑर्गेनाइज विच वॉज वर्चुअली एड्रेस्ड बाई द पीएम मोदी? तो आपसे पूछा गया है कि कहां पर इंडिया ग्लोबल वीक 2020 को ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसको वर्चुअली एड्रेस किया हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, आंसर दीजिए क्या इसका आंसर होगा। हनी पूछ रहे हैं कि सर यही जीए सफिशियंट है क्या आरआरबी पीओ के लिए? हनी जी अब मैं क्या बोलूं आपसे, मतलब आप खुद ही बुद्धिमान है, दिमागदार है, समझ लीजिए क्या इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव क्यों होगा, क्योंकि रिची महतो बेटा यूएस नहीं है, नरेश कुमार नॉट सिंगापुर, नहीं भैया अंशो सिंगापुर नहीं है, इसका आंसर होगा यूके। तो नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया ग्लोबल वीक का इनॉग्रेशन मतलब वहां पे एड्रेस किया, ये यूके में हुआ, और इसकी थीम क्या थी, बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड, बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड, ये इसकी थीम थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, According to the Economist Intelligence Unit, what is the rank of India in the cancer preparedness among 10 Asia Pacific countries? इसमें टॉप किया था ऑस्ट्रेलिया ने, इंडिया की रैंक क्या थी इसमें? What is the answer? What is the answer? And the right answer is 8th option number A. जी है। तो इंडिया की बात करें, इंडिया को 8वीं रैंक मिली थी among the 10 Asia Pacific countries. ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे था कैंसर प्रिपेयरनेस इंडेक्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैज won द प्रेस्टिजियस CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019? तो किस पब्लिक सेक्टर कंपनी ने CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड जीता? पांच ऑप्शन आपके पास, फिर से आंसर आपको देना है, व्हाट इज द आंसर। नालको, शंकर जावानी सिंह नालको, राहुल सिंह नालको, रिची मैं तो एनटीपीसी, दीपक अग्रवाल एनटीपीसी, क्या एनटीपीसी ऑप्शन में है ही नहीं है भाई? इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव, मतलब एनटीपीसी। तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी को CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड दिया गया है 2019 का। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड द यूरोपियन 2020 यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड? तो देख लो किसको यूरोपियन 2020 यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड, किस आर्किटेक्चर को यह अवार्ड मिला? वी हैव 5 ऑप्शंस, ठीक है,
अंकिता पॉल आईओसी, आईओसी एनटीपी, आईओसी बोल रहे हैं बच्चे, तो आप इतने प्यार से बोलेंगे तो मैं मना नहीं कर सकता। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ऑप्शन नंबर सी। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की नई बिल्डिंग बन गई है लुसाने में, और इसी बिल्डिंग को यूरोपियन 2020 यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च द एटीएल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल। तो इनमें से किसको हेल्प करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन ने एटीएल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया? स्कूल स्टूडेंट, ग्रेजुएट्स, स्टार्टअप, आईटी कंपनीज, माइग्रेंट लेबर्स। व्हाट इज द आंसर? क्या इसका आंसर होगा, देख लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर गाइडली माता हमारे बीच में उपस्थित हो चुकी हैं, बोल रही हैं शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, तो कर लेना तीनों, नहीं करोगे तो पाप पड़ेगा। ठीक है, और यहां पर दीपक अग्रवाल, स्टार्टअप, स्टार्टअप माइग्रेंट, स्टार्टअप। आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फॉर द स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो ये स्टूडेंट के लिए। तो नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन जो है उसने एटीएल एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है फॉर द स्कूल चिल्ड्रन अक्रॉस द कंट्री। चलिए, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, वॉट वॉज द मैक्सिमम कैपिटल ऑन द अमाउंट ऑफ सम इंश्योर्ड फॉर आरोग्य संजीवनी पॉलिसी विच हैज नाउ बीन रिमूव बाई द एडा। तो आरोग्य संजीवनी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है ये कोविड 19 के लिए आई हुई थी। ठीक है, तो इसमें कोई एक मैक्सिमम लिमिट थी जिसको एडा ने हटा लिया है। वो मैक्सिमम अमाउंट की लिमिट क्या है, मैक्सिमम, वो आपसे पूछा गया। आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका आंसर हो गया 5 लाख। तो पहले इसकी मिनिमम लिमिट थी कितनी, 1 लाख रुपए, और मैक्सिमम कितना इसका इंश्योरेंस था, 5 लाख रुपए। तो एडा ने से खत्म कर दिया है। अभी क्या हो गया है, अभी मिनिमम 50,000 हो गया है और मैक्सिमम तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, याद कर लीजिएगा ये भी। तो 5 लाख बिल्कुल सही है, देख लीजिए। तो एडा ने आरोग्य संजीवनी की जो जो लिमिट थी वो हटा दी है, तो अभी 5 लाख से ऊपर भी आपको पॉलिसी इंश्योरेंस मिल सकता है, 50,000 मिनिमम और अपर कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। विच बैंक हैज लॉन्च अ स्पेशल 2 मंथ कैंपेन कॉल्ड कोना कोना उम्मीद। तो ये तो आप लोग बता देंगे, इवन इवन आज मॉर्निंग वाले सीएम में मैंने से रिविजन करवाया था कि कोना कोना उम्मीद जो है वो किस बैंक ने लॉन्च किया था। कोना कोना उम्मीद, वॉट इज द आंसर? वी हैव 5 ऑप्शंस। तो कोटक महिंद्रा बैंक है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च इंस्टा लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड इन पार्टनरशिप विद द कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। तो इनमें से किस बैंक ने इंस्टा लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है विद द पार्टनरशिप ऑफ द कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। ये भी मैंने आज मॉर्निंग वाले सीए में रिविजन करवाया था। आई थिंक कि सारे बच्चे इसका क्वेश्चन, इसका आंसर देने में सक्षम होंगे। एंड द आंसर इज आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन नंबर बी। तो आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू किया है। ठीक है, क्या शुरू किया है, तो इसका नाम देख लीजिए, इंस्टा लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट पॉइंट, विच यूनियन टेरेटरी गवर्नमेंट लॉन्च एन इनिशिएटिव कॉल्ड मोदी टू स्टीयर द यूटी ऑन अ सस्टेनेबल पाथ। इसमें से किस केंद्र शासित प्रदेश ने क्या लॉन्च किया है, मोदी, MODI। आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा? गाइडली माता की जय, आ चुकी है हमारे बीच में। तो किस यूटी गवर्नमेंट ने मोदी इनिशिएटिव लॉन्च किया है, आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर लद्दाख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो लद्दाख लेफ्टिनेंट गवर्नर आरके माथुर हैज ई लॉन्च मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव। मोदी मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड अ ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट टू स्टीड द यूनियन टेरेटरी ऑन अ सस्टेनेबल पाथ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट, यूनियन गवर्नमेंट अप्रूव MOU विद विच कंट्री ऑन द कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। तो मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है लास्ट GMains वाली क्लास में, है ना? इसका आंसर आप सब बच्चे लोग सही देंगे। इसका आंसर जिम्बाब्वे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, आप लोगों को पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, India and the UK have collaborated for 5 new research projects to tackle antimicrobial resistance that can be helpful in the global fight against antibiotic resistance bacteria and genes. What is the cost of the joint research project? तो भारत और यूके antimicrobial प्रतिरोध से निपटने के लिए 5 नए अनुसंधान परियोजनाओं के लिए सहयोग कर रहे हैं। तो इसका टोटल अमाउंट क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है।
इसका आंसर क्या होगा देख लेते हैं यहां पे, और इसके आंसर की बात कर लें, इसका आंसर होगा 8 मिलियन, ऑप्शन नंबर बी। तो देख लीजिए, इंडिया और यूके हैव पार्टनर्ड टू अंडरटेक 5 न्यू रिसर्च प्रोजेक्ट टू टैकल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, और 8 मिलियन का ये टोटल कॉस्ट पड़ेगा दोनों देश को, ठीक है, 8 मिलियन आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 एम्स टू अचीव $25 बिलियन डिफेंस टर्नओवर बाय विच ईयर। रक्षा उत्पादन और निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक $25 बिलियन का कारोबार हासिल करना है। वी हैव 5 ऑप्शन, व्हाट इज द आंसर। आपके सामने 5 ऑप्शन है, आपको उसको सही आंसर देना पड़ेगा, व्हाट इज द राइट आंसर। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, आंसर की बात कर लें, आंसर इज नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव क्यों होगा, क्योंकि ये 2025 होगा बेटा, 30 नहीं है, 2025, ठीक है, 2025, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज फॉर्मुलेटेड अ ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020, जिसका ऑब्जेक्टिव है टर्नओवर 1,75,000 करोड़, मींस $25 बिलियन, ठीक है, ये कब तक, 2025 तक ही करना है, ठीक है, 25। नेक्स्ट पॉइंट, द मार्स ऑर्बिटर मिशन ऑफ इसरो हैज कैप्चर्ड द इमेज ऑफ द क्लोजेस्ट एंड द बिगेस्ट मून ऑफ मार्स, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मून। तो इसरो के मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम ने मंगल के सबसे करीबी और सबसे बड़े चंद्रमा की छवि पर छवि खींच ली है, इसका नाम क्या है ये आपको बताना है। एंड द आंसर इज फोबोस, ऑप्शन नंबर बी, फोबोस ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, वेरी गुड, फैंटास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स बिटवीन यू कैंपेन हैज बीन लॉन्च बाय विच कंपनी टू प्रमोट इट्स ब्रांड, या आपके बीच, इट्स बिटवीन यू अभियान किस कंपनी द्वारा अपने ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। आपने टेलीविजन पे एड देखा होगा इसका, है ना, तो दो लोग आपस में व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, कोई बाल काटता है, कोई कुछ करता है, आपने देखा होगा, है ना, आंसर बताइए क्या इसका आंसर होगा। आंसर इज व्हाट्सएप, ऑप्शन नंबर ई। तो ई मतलब नन ऑफ दिस, आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप ने कैंपेन लॉन्च किया था इट्स बिटवीन यू, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द रिपोर्ट टाइटल्ड कोविड-19 एंड टूरिज्म, किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था कोविड-19 और पर्यटन, क्या इसका आंसर होगा। हाँ एड आता है, जी हाँ, मैं वही बोल रहा हूं, आंसर बताएं जल्दी से, और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा अंगटेड, ऑप्शन नंबर बी, अंगटेड ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। तो अंगटेड ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, रिपोर्ट का नाम क्या था, कोविड-19 एंड टूरिज्म, और इस रिपोर्ट में बताया गया कि ग्लोबल टूरिज्म को $1.2 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है, या फिर पूरे वर्ल्ड के GDP का 1.5%। और अगर अगर लॉकडाउन और बढ़ा और टूरिज्म मतलब इंटरनेशनल टूरिज्म नहीं बढ़ पाया, तो 8 महीने में टोटल 2.2 ट्रिलियन का नुकसान होगा और 2.8% ऑफ द ग्लोबल GDP। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज रिसेंटली ज्वाइन द सेंट्रल बैंक एंड सुपरविजरी नेटवर्क ऑफ ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, किस वित्तीय संस्थान ने हाल ही में सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर नेटवर्क फॉर द ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम को ज्वाइन किया है। ये क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूं और मुझे पता है कि आप लोग सही आंसर देने में सक्षम होंगे। 5 ऑप्शन आपके पास, सही आंसर दीजिएगा, किसने ज्वाइन किया है सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। क्यों, क्योंकि इसका आंसर एशियन डेवलपमेंट बैंक हो जाएगा। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ज्वाइन कर लिया है सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर टैकलिंग द लोक्टस अटैक द इंडियन एयरफोर्स हैज डिजाइंड एंड डेवलप्ड एन एयरबॉर्न लोक्टस कंट्रोल सिस्टम ऑन विच हेलीकॉप्टर। तो टिड्डियों का हमला अभी हुआ था, आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा, तो उससे निपटने के लिए भारतीय वायुसेना ने किस हेलीकॉप्टर पर एक एयरबॉर्न टिड्डी नियंत्रण प्रणाली को डिजाइन किया था और डेवलप किया था, किस हेलीकॉप्टर पे, व्हाट इज द आंसर।
ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर MI-17 ऑप्शन नंबर ई, MI-17 ऑप्शन नंबर ई। तो इंडियन एयरफोर्स ने एक एयरबॉर्न लॉक्टस कंट्रोल सिस्टम लॉन्च किया था MI-17 हेलीकॉप्टर पे, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ एडिशन ऑफ द मिनिस्टीरियल ऑन द क्लाइमेट एक्शन हेल्ड वर्चुअली वॉज को चेयर्ड बाई द यूरोपियन यूनियन, चाइना एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ये क्वेश्चन मैं कल करवा चुका हूं और आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। तो क्या इसका आंसर होगा देख लीजिए, आप लोगों को पता है क्या इसका आंसर होगा? याद रखिएगा रात के 10 बजे आज मेरी क्लास फिर भी है, और रात के 10 बजे वाला कंटेंट मेरा प्रीमियर रहता है, प्रीमियर रहता है प्रीमियर बच्चों के लिए। तो अगर आपको प्रीमियर बनना है तो रात के 10 बजे आइए। टॉपिक मैं नहीं बताऊंगा लेकिन कंटेंट जबरदस्त मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। और इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ द, क्योंकि ये कनाडा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, Which Indian news channel is the only one that has not been taken off air by the Nepal cable TV operator? आपको बताया गया इसकी नेपाल ने इंडिया के चैनल्स पर बैन लगा दिया था, तो एक चैनल छोड़ के वो चैनल कौन सा है ये आपको बताना है। राज्यसभा, एनडीटीवी, इसका आंसर एनडीटीवी, इसका आंसर एनडीटीवी, दूरदर्शन, बिल्कुल सही। तो आंसर इज दूरदर्शन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, दूरदर्शन इज राइट आंसर, ठीक है। तो नेपाल के भी टेबल ऑपरेटर ने सारे चैनल्स को बंद कर दिया एक्सेप्ट ऑफ दूरदर्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे आपसे। द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड, द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? पांच ऑप्शन आपके पास है, आंसर आपको देना है। इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 11 जुलाई, ऑप्शन नंबर डी, 11 जुलाई, ऑप्शन नंबर डी। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की थीम क्या है? सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड राइट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स, सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स, तो ये इसकी थीम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। द 2020 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट हैज बीन पोस्टपोन टू बी हेल्ड इन जून 2021, विच कंट्री विल होस्ट द टूर्नामेंट? तो 2020 का एशिया कप जो है ये अभी 21 में शिफ्ट हो गया जून में, और ये किस देश में होगा? तो पहले ये होने वाला था पाकिस्तान में, लेकिन अब ये होगा श्रीलंका में, ये भी याद कर लीजिएगा, पाकिस्तान और श्रीलंका, अब श्रीलंका में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, विच कंट्री वॉज द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन द फाइनेंशियल ईयर 2019-20? तो वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश कौन सा बना? फ्रांस, चाइना, यूएस, यूके, यूएई और जापान, पांच ऑप्शन आपके पास। व्हाट इज द आंसर? और इसके आंसर की बात करें, आंसर इज यूएस, ऑप्शन नंबर सी। तो यूएस भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना रहा है 2019-20 में, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट, द 2020 वॉलेंट्री नेशनल रिव्यू ऑफ इंडिया वॉज प्रेजेंटेड एट द यूनाइटेड नेशन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम बाई विच ऑर्गेनाइजेशन? तो भारत की 2020 स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीति मंच किस संगठन द्वारा प्रस्तुत की गई? तो 2020 वॉलेंट्री नेशनल रिव्यू ऑफ इंडिया, ये एक रिपोर्ट है जो कि प्रेजेंट किया गया यूनाइटेड नेशन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम के सामने, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ये आपसे पूछा गया है। और इसका आंसर क्या होगा? नीति आयोग होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो नीति आयोग ने भारत का दूसरा एडिशन वॉलेंट्री नेशनल रिव्यू, ये एक रिव्यू है, एक रिपोर्ट है जो कि यूनाइटेड नेशन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम के सामने प्रेजेंट किया गया, ठीक है। और तो इंडिया VNR 2020 रिपोर्ट वॉज टाइटल्ड डिकेड ऑफ एक्शन टेकिंग SDG फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल, ये रिपोर्ट का, ये मतलब रिपोर्ट का टाइटल था। तो वॉलंटरी नेशनल रिव्यू रिपोर्ट VNR रिपोर्ट नीति आयोग ने UN के सामने प्रेजेंट किया, यूनाइटेड नेशन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम के सामने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, With which bank has the Jharkhand government signed a memorandum of understanding to offer digital payment solution? ये question कई बार मैं करा चुका हूँ और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो झारखंड स्टेट गवर्नमेंट ने MOU साइन किया है अपने जो इनके मतलब बेसिकली जो रोड ट्रांसपोर्ट की बात हम करें उस डिपार्टमेंट ने HDFC बैंक के साथ, ठीक है। तो झारखंड गवर्नमेंट ने MOU साइन किया है विद द HDFC बैंक, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हाउ मेनी इंडियन हैव बीन अवार्डेड द वॉन कर्मन अवार्ड बिफोर इसरो चीफ डॉक्टर के सीवान हु इज अवार्डेड इन द ईयर 2020? तो 2020 का वॉन कर्मन अवार्ड जो है वो डॉक्टर के सीवान को मिला जो इसरो के चीफ है।
इनके पहले कितने इंडियंस को ये अवार्ड मिल चुका है ये आपसे पूछा गया, कितने इंडियंस को ये अवार्ड मिल चुका है, तो इनके पहले कितने को अवार्ड मिला है, तो उसका आंसर क्या होगा, दो लोग को मिला है, ठीक है। तो देख लीजिए, तो इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉट, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉट जो है वो वॉन कर्मन अवार्ड देती है, ठीक है, और इस बार के सिवान को ये अवार्ड दिया गया है। इसके पहले के सिवान से पहले कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन और यू आर राव को ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है, ये भी देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, द इंडियन रेलवे हैज लॉन्च पोस्ट कोविड कोच टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19, द कोच हैज बीन डेवलप्ड बाई विच यूनिट ऑफ द इंडियन रेलवे। तो भारतीय रेलवे ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए पोस्ट कोविड कोच ऐप कोच लॉन्चेस किए हैं, ये कोच जो है ये किसने डेवलप किया था, ये आपसे पूछा गया। जी हाँ, कपूरथला, बिल्कुल सही, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, हाउ मेनी इन्वेस्टर्स हैव टिल डेट इन्वेस्टेड इन जियो प्लेटफॉर्म टू बिकम द कंपनी शेयर होल्डर। तो अभी तक कितने कंपनियों ने रिलायंस जियो में निवेश किया है, कितने कंपनियों ने रिलायंस जियो में निवेश किया ये आपसे पूछा गया है। पांच ऑप्शन आपके पास है, आंसर आपको देना है, कैसे आंसर होगा। तो आपको बताया गया इसकी टोटल 12 कंपनी ने निवेश किया, ये 12 कंपनी की लिस्ट है, कितना कितना अमाउंट और कितना कितना परसेंट स्टेक, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा फेसबुक ने निवेश किया है, फेसबुक ने, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे। और उसके बाद दूसरा बड़ा इन्वेस्टमेंट गूगल ने किया, तो गूगल को आप 13वीं कंपनी बोल सकते हो उसके बाद। नेक्स्ट वन, द 2022 यूथ ओलंपिक गेम्स इन डाकर हैज नाउ बीन पोस्टपोन टू विच ईयर। ये भी क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूं कई बार आपको, और इसका भी क्वेश्चन आंसर एक बार देख लीजिए क्या इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा 2026 में ये होने वाला, ठीक है। ठीक है, इस मिलते हैं रात के 10 बजे फिर आपसे, ठीक है। और अगर आप अभी क्लर्क का फाउंडेशन बैच खरीद जाते हैं, या फिर आप एक्सप्रेस वीडियो कोर्स परचेस करना चाहते हैं, या टेस्ट सीरीज कुछ भी, तो आपको राइट नाउ 35% का डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप नासा कोड का यूज करते हैं, तो 35% का डिस्काउंट है, ठीक है। तो गाइज ये था हमारा सेशन, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें, अगर कोई बच्चा नया हमारे चैनल पर आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, अपना ख्याल रखिएगा।